हेलो एंड वेलकम टू इन एक्साइटिंग लेक्चर इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट्स सो टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट बट द मेजर टू जो कि हम लोग अमेजोन फिर ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं उनमें एक है इंफॉर्मेशन आर्टिकल एंड दर कमर्शल आर्टिकल इंफॉर्मेशन आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जिसमें हाउ वाई वट विन टाइप के कॉन्टेंट के बारे में बात होती है जिसमें यूज़र को गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है और वो हेल्प करती है उनको उस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने में लाइक like, मैं आपको यहाँ पे एक डेमो देना चाहूँगा अन लैपटॉप यू कैन सी द दैटेगरीज लैपटॉप बाय गाइड हाउ मच डू कंप्यूटर प्रोग्रामर मैक्स आईर हाउ टू मूव आई टूस लाइब्रेरी टू न्यू कंप्यूटर कैन यू चेंज द ग्राफिक कार्ड इन लैपटॉप तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल से क्वेश्चन है और इनको आंसर किया जाता है और इसको इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल कहा जाता है नाव वाई वी यूज इन्फॉर्मेशन आर्टिकल सो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल स्ट्रेंथन द रूट ऑफ अ ब्लॉग यू नो गूगल जो है वो एक कमर्शल आर्टिकल पर इतना ट्रस्ट नहीं करता अगर आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे और आप कह सकते हैं कि टेन बीस जो है वो इन्फॉमे आर्टिकल के बग़ैर रेंक कर रहा है तो वो एक टाइम था जिसमें रेंक करना ईजी था टाइम के साथ साथ स्ट्रेटेजी चेंज होती है गूगल के न्यूज़ अपडेट न्यू अपडेट्स आते हैं और ये अपडेट्स जो है रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो राइट right नाव जो है इन्फॉर्मेशन आर्टिकल का एक वर्थ है तो ये आपकी वेबसाइट की रूट को मज़बूत बनाता है गूगल में एक कमर्श आर्टिकल जो आप लिखना शुरू कर देते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है रैंक होने में तो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को जल्दी गूगल में रैंक करवाते हैं और ये गूगल को ट्रस्ट करवाता है कि दिस यूजर इज़ हेल्पिंग अदर पीपल दिस ब्लॉग इज़ हेल्पिंग अदर पीपल बाई प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कंप्राइज़ ऑफ हैवी एंड वैल्यूड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टॉपिक्स है इसमें जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया लैपटॉप्स की का छोटे छोटे इशूज़ होते हैं जिन पर डिटेल आर्टिकल होते हैं उनको कवर किया जाता है एंड दिस इज वन ऑफ़ द मेन सोर्स फॉर गेटिंग लिंक्स फ्राम अथार्टी वेबसाइट्स एज यू माइट नो अगर आप एफिलेट ब्लॉगिंग से है या ब्लॉगिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं एक वेबसाइट ओनर आपको कमर्शियल आर्टिकल को कभी भी लिंक नहीं देगा वो जब भी आपको लिंक देगा वो आपके इंफॉर्मेशन आर्टिकल को लिंक देगा इवन हम जब कमर्शियल आर्टिकल लिखना शुरू कर देंगे तो उसमें हमें इंफॉर्मेशन आर्टिकल को लिंक करना होगा और उसके लिए या तो हमें वो इंफॉर्मेशन आर्टिकल अपने वेबसाइट्स पर लिखने होंगे या अगर हमारे पास नहीं है तो हम बाहर से किसी वेबसाइट को लिंक करवाएँगे दिस इज़ वन ऑफ द मेजर वे टू एक आर्गेनिक ट्रैफिक सो जब इनको लिंक्स मिलती है तो इसी वजह से गूगल में रैंक भी कर जाती है और इसके अलावा गूगल इन पर ट्रस्ट करता है तो ये आर्टिकल विदाउट लिंक्स भी गूगल में रैंक करती है तो ये एक आ, मेजर वे टू एक्वायर आर्गेनिक ट्रैफिक है इवन मैं आपको अगर बता दूँ अभी मेरा एक वेबसाइट है जिसका नाइन्टी परसेंट जो ट्रैफिक है वो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल ग्रैप कर रहा है गेन कर रहा है और उसी के लिए मैंने एडसन्स के एड लगाए हुए हैं ताकि मैं यूज़र से कुछ अन कर सकूँ एंड ये आपकी वेबसाइट का थर्टी टू फोर्टी परसेंट स्पेस एक्वायर करता है मीन अगर आप चाहो तो आप फिफ्टी बाई फिफ़्टी भी लिख सकते हैं मीन के फिफ्टी परसेंट आर्टिकल कमर्शियल फिफ्टी परसेंट इंफॉर्मेशल मैं पर्सनली थर्टी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट तक मैक्सिमम जाता हूँ इन्फॉमे आर्टिकल बाकी जो आर्टिकल होते हैं वो कमर्शियल होते हैं और ये इनडायरेक्ट वे टू जनरेट रेवे होती है जिस तरीके से मैंने कहा मैंने गूगल एडसेंस के एड लगाए होते हैं दूसरी बात यह कि ये गूगल में रैंक कर जाते हैं इसको लिंक्स मिलते हैं उन लिंक्स की वजह से इनके अंदर हमारे कमर्शियल आर्टिकल रिंग लिंक होते हैं तो वो कंटेंट हमारा रैंक कर जाता है सो तो ये इनडायरेक्ट वे टू जनरेट रेवेन्यू होता है फिर हमारे पास आता है कमर्शियल आर्टिकल कमर्शियल आर्टिकल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कमर्शियल आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है मार्केट किया जाता है इनके प्रोजेंस कौन के बारे में बात होती है एंड दिन यूज़र को हम गाइड करते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट बाय कर लो ये मेजर सोर्स जनरेट रिवेन्यू होता है लाइक हमारे वेबसाइट का नाइन्टी जो रेवेन्यू होती है वो कमर्शल आर्टिकल के थ्रू हम जनरेट करते हैं या आपके रीडर्स को बायर्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आप जब इनको कंटेंट देते हैं आप गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं लेट्स सपोज टॉप टेंट बेस्ट गेमिंग लैपटॉप तो उनमें एक लैपटॉप होता है जो आप यूजर को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं रोसिंग टू उसको बाय कर लेता है थ्रू अमेजन इफिडेट लिक इंटर्ल्स बेसिक एंड डिमांडेड इन्फार्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड व कमर्शियल आर्टिकल्स तो जिस तरह मैंने बताया इसमें हम क्या करते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट्स रिव्यू करते हैं इसमें हम राउंड अप करते हैं और इसमें दो प्रोडक्ट्स की हम लोग कम्बाइन यू नो एक दूसरे के साथ रिव्यू करते हैं कंपेरिजन करते हैं और फिर इसमें हम एक को बिनर करार देते हैं तो ये जो है हमारा एक मेन सोर्स होता है इसके थ्रू तो हम यूज़र्स से रिवेन्यू जनरेट करते हैं उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं और ये एक्वायर करता है आपकी वेबसाइट का 60 टू 70 परसेंट स्पेस को मिनके हमारा ज़्यादातर फोकस इन्हीं पे होता है इन्हीं के थ्रू हम जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं नाउ द टाइप्स ऑफ कमर्शियल कंटेंट तो इसमें हमारे पास जिस तरह मैंने ऑलरेडी कहा सिंगल प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ होता है जिसमें हम एक प्रोडक्ट्स पर रिव्यू करते हैं और फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स राउंड अप आते हैं प्रोडक्ट राउंड अप में क्या होता है कि हम टेन टू फिफ्टीन प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके रिव्यू कर देते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट में सपोज़ मैकबुक 2019 रिव्यू कर लेते हैं प्रोडक्ट्स राउंडअप में हम मैकबुक्स को डेल को और एच पी लैपटॉप्स को कम्बाइन रिव्यू करते हैं और फिर उसमें एक को विनर करार देते हैं और या जो है हर एक प्रोडक्ट्स की कुछ स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट लोगों के लिए और द थर्ड वन इज़ कंपैरिजन पोस्ट में हम दो दो तीन तीन प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन करते हैं सपोज़ मैकबुक प्रो का हम करते हैं विंडोज़ के साथ uh, या जो एचपी uh, का करते हैं डेल के साथ तो इस तरीके से हम कंपेरिज़न करते हैं दो दो प्रोडक्ट्स की सो so, यहाँ पे एक गाइडलाइन है अबाउट बाउट सिंगल प्रोडक्ट्स एंड राउंड अप रिव्यू तो इसमें डिफरेंस क्या है इसके हवाले से बात की जाएगी तो सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू में बायर को पता होता है कि वो क्या बाय करने जा रहा है लेकिन वो सिर्फ श्योरिटी के लिए थोड़ा सा उसके फीचर्स वगैरह देख लेता है और वो आ जाता है सिंपली उस प्रोडक्ट को रीड करने के बाद बाय नाव के बटन पर क्लिक कर लेता है जबकि प्रोडक्ट्स राउंड अप में रीडर्स को पता नहीं होता बायर्स को पता नहीं होता कि कौन सा लैपटॉप गेमिंग के लिए बेस्ट होगा सो so, बेस्ट की तलाश में उन टॉप टेन आर्टिकल में से टॉप टेन प्रोडक्ट्स में से एक को चूज़ कर लेता है और वो भी आपके कंटेंट के बेस पे पर सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू में रीडर को पता होता है कि वो क्या बाय करना चाहता है उसे पता होता है इंफॉर्मेशन होती है उसके पास वो सिर्फ जो है ना उन इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए और अपने आप को श्योर sure करने के लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन uh, और बेस्ट वेबसाइट की तलाश में होता है और वहाँ पर आपका सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू काम कर लेता है एंड अगर आपका रिव्यू उसको जो है सटिस्फाई uh, कर लेता है वो बाय नाउ के बटन पोके करके उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है जबकि प्रोडक्ट राउंडर में उसे पता नहीं होता वो एजुकेट नहीं होता और वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहता है सो आपका पोस्ट वहाँ पे उसकी हेल्प करता है और यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह के देखने के लिए फीचर्स एंड डिज़ाइनिंग के लिए इन फाइनल कंक्लूजन को देखने के लिए आता है सो यहाँ पे एक सिंपल टिप है आपके पास वो टिप यह है कि योर इन्फो कंटेंट विल लीड टू तो कमर्शियल सो सर्च विल एंड अप्लाई पिल रूल ऑन एट आपका जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है इसके अंदर इनडायरेक्टली हम अपने कमर्शियल आर्टिकल को यू नो प्रमोट करते हैं वो प्रोसीजर आपको समझाया जाएगा आपने बी ऑनेस्ट रहना है और आपने हाइप क्रिएट नहीं करनी क्योंकि आप तो हाइप क्रिएट कर लेंगे लेकिन प्रोडक्ट जो है वो अगेन वो लोग रिटर्न कर देंगे आपने सेल्स लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ नहीं करना मीन के मार्केटिंग इतनी नहीं करनी कि बस ये प्रोडक्ट इस तरह है ये प्रोडक्ट ऐसे है आपने एक नॉर्मल पर्सन की तरह जो है ना बिहेव uh, करना है अगर आप सेल्स मैन की लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता इन्फॉर्मेशन शुड भी प्रिसाइज फॉर वर्ट द रीडर्स गेम फॉर इन्फॉर्मेशन हम का बेस्ट होना चाहिए क्योंकि यूज़र को तो पता होता है कि ये चीज़ बाई करनी है वो इन्फॉर्मेशन इसको कन्वर्ट करता है तो ये होगी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट्स और इसके बाद जो है हम प्रॉपर गाइडलाइन की तरफ जाएँगे प्रैक्टिकल रिसर्च की तरफ जाएँगे तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो